ब्यावर के रहने वाले पीड़ित परिवार ने आज एसपी से न्याय की गुहार लगाने के साथ ही जांच बदलने की मांग की है। 25 मई को ब्यावर निवासी मनोज ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में राजेश, विमल, कप्तान परमाराम सहित अन्य लोगों के नाम भी लिखे, जिन्होंने 23 मई को उनके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने ब्यावर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस संबंध में 3 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण पीड़ित परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा और उचित न्याय की मांग की। साथ ही इस मामले में जांच बदलने की मांग भी की गई है, जिससे कि कार्यवाही आगे बढ़ सके। मेरा बच्चा ऊपर रहता था, एकदम आदमी आए थे, वो जोर से बोलने लगे। मैंने बोला क्या हुआ, तो क्या बोल, वो बच्चा तो बोलता कुछ नहीं हुआ। वो आदमी वो जोर से लड़ने लगे उससे, और फिर बाद में वो बोलता है कि मेरे को बहुत जोर से मारा था। मारने के बाद में वो उसने सुसाइड कर लिया। वो नोट भी नहीं है कुछ, हमारा कोई कुछ भी नहीं निकला यार। 3 महीना हो गए हमारे धक्का मुक्की खाते हुए। उसको तो मारा जो मारा, हमारा भी ध्यान नहीं देते। ये बच्चा है छोटा सा, इसका ध्यान भी नहीं देते। ये क्या करेगा छोटा सा बच्चा? इधर आ रहा तू, इधर आ बच्चा तू, हाँ इधर आ। ये बच्चा है, ये क्या क्या कहेगा कि मेरे पापा है या नहीं है? ये क्या सोचेगा? एक तो परमाराम था साथ में, वो भी आता था, और एक वो क्या है उसका नाम था, वो जेसीपी वाला था। कहाँ का मामला है ये? है ब्यावर का है, ब्यावर का है, राजमहल होटल के पास में रहते हैं हम। क्या 2 दिन में बहुत ज्यादा चक्कर लगा के उसको खत्म ही कर दिया उसने। खूब मारा था उसने। क्या कोई जेसीपी का मामला था? तो क्या भाई जेसीपी दे, तो वो बोला था भाई पैसे दे दिए तेरे को, जेसीपी का क्या है? तो इस मेटल के अंदर और कोई उसके परमाराम के, मेरे को पता नहीं है क्या हुआ था, क्या था मामला मेरे को पता नहीं है। वो जोर से बोल रहा था, तो मैंने बोला पैसों का लेन देन था। हाँ पैसों का लेन देन था, कुछ भी था जो भी वो भैया जानता है। मैं तो क्या है कि वीपी शुगर की पेशेंट हूँ। हाँ वो मिलने आया था, आज एसपी साहब से मिलने आया है भाई। क्या हमारा हो ही नहीं रहा तो क्या करें? इस बच्चे को तो इंसाफ चाहिए ना। है प्रेम देवी नाम है मेरा। 23 तारीख को मेरा भाई मनोज है, छोटा भाई मेरा, तो 23 तारीख के दिन उसके साथ में मारपीट हुई थी, और रात को लेट आया था उस दिन। 24 तारीख के दिन घर पे ही था, कुछ और भी बताया भी नहीं था उसने कि मेरे साथ में ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद में 25 तारीख के दिन उसने सुसाइड की, और 26 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी, 26 मई 2021। तो उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ घूम रहे हैं। नहीं तो सुसाइड नोट भी था, ये सुसाइड नोट वगैरह जितने भी है वो थाने के अंदर जब्त है, ठीक है सब। और उनमें जिन जिन का नाम है उसमें देखो, राजेश है, विमला है, और आपके परमाराम है, और कप्तान है, और भी जितने भी नाम है वो जी ये अपराधी है सारे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं ये? विमला और राजेश ये है जालिया सेकंड के, परमाराम है जसनगर नागौर जिले में है, ठीक है। कप्तान है ये खरवा का रहने वाला है, खरवा सारणिया उसके पास में ये गांव, वहां का रहने वाला है। तो इनके बीच में क्या हुआ ये पूरी जानकारी उसमें आपके सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, ठीक है सब। आज कहां आए हो आप? आज एसपी साहब के पास में आए हैं। तो 3 महीने से हमारे जो हम 90 दिन जो होती है मियाद वो ख़त्म हो चुकी सब, और अभी तक एक भी आदमी उनमें से अरेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या चाहते हैं? जांच बदलना चाहते हैं, और उच्च अधिकारी जो है उनको जांच देना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन है, ब्यावर से हूँ मैं। ये प्रार्थी हमारे पास आए हैं, निरंजन जी, इनके भाई की मनोज जी की हत्या हो गई थी, इन्होंने पंख के लटक करके आत्महत्या कर ली थी। कि जो इन्होंने जो 5-6 नाम बताए, ये लोग ब्याज पर काम करते हैं, आए दिन इनको धमकाते हैं। कोई जेसीबी का मामला था, इन्होंने पैसे दे दिए, जेसीबी ले ली थी, उसके बावजूद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई 26 तारीख को, 26/5/2021 को, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, नए मुलजिमों को गिरफ्तार किया, नए ही इनके बयान दर्ज कर रही है, और उल्टे इनको ही धमका रही है। अरे ये लोग आए हैं एसपी साहब के पेश होने के लिए, तो हमने एसपी साहब के पास पेश किया, उनको न्याय चाहिए और जाँच अधिकारी बदलवाने के लिए एप्लीकेशन दिए पुलिस साहब, अधीक्षक साहब, एडवोकेट शिवराज सिंह राठौर। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।